हेलो दोस्तों, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स। और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स की इन्फॉर्मेटिव सीरीज़। दोस्तों, यूरोप में रूस और यूक्रेन के दरमियान चल रही जंग में अब तक हज़ारों की तादाद में फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन इन फौजियों का एक्चुअल नंबर कितना है? वॉर में इन्वॉल्व कंट्रीज जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बताए हुए नंबर्स पर हम आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकते। रशिया अपने फौजियों को नुकसान हमेशा कम बताएगा और यूक्रेन के फौजियों को नुकसान हमेशा ज़्यादा बताएगा। यूक्रेन भी ऐसा ही करेगा। और रशियन मिलिट्री लॉसेस पर तो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा ही चल रहा है। अमेरिका बता रहा है कि रशिया के इतने लॉसेस हुए हैं, नेटो कुछ और ही नंबर बता रहा है और यूक्रेन तो बहुत ज़्यादा ही नंबर बता रहा है। लेकिन असल सच क्या है, आज हम इस वीडियो में रशिया के एक्चुअल मिलिट्री लॉसेस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी जंग के दौरान किसी भी मिलिट्री के ह्यूमन लॉसेस को कैजुअलिटीज कहा जाता है। कैजुअलिटीज सिर्फ किल्ड सोल्जर्स का नंबर नहीं है। कैजुअलिटीज में किल्ड सोल्जर्स, इंजर्ड सोल्जर्स, सरेंडर्ड या कैप्चर्ड सोल्जर्स या फिर मिसिंग सोल्जर्स भी आते हैं। किसी भी वॉर में नंबर ऑफ किल्ड सोल्जर्स को नंबर ऑफ फेटेलिटीज कहा जाता है। दोस्तों, नेटो कहता है कि यूक्रेन की जंग में रशिया के तकरीबन 20,000 फौजी मारे गए हैं। किसी भी मॉडर्न वॉर में एक किल्ड सोल्जर पर तकरीबन 3 मिसिंग, जख्मी या फिर कैप्चर्ड सोल्जर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से 1:3 रेशियो में होते हैं 60,000 सोल्जर्स। अगर हम इन नंबर्स को टोटल करेंगे तो इस जंग में रशियन कैजुअलिटीज 80,000 से ज्यादा हो जाती हैं। रशिया के टोटल फोर्स जिसने यूक्रेन पर हमला किया था उसका नंबर था 1.5 से 2 लाख। अगर इन 1.5 से 2 लाख की फौज में 80,000 फौजी जंग करने के काबिल नहीं रहे तो रशिया इस जंग को जारी ही नहीं रख सकता। इससे हमें पता चलता है कि नेटो के ये नंबर्स सही नहीं हैं। दोस्तों, यूक्रेन के बताए गए नंबर्स का भी मोर और लेस यही हाल है। तो हमें इस जंग में असली रशियन कैजुअलिटीज का नंबर कैसे पता चलेगा? दोस्तों, ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट में इस जंग में डिस्ट्रॉयड रशियन एंड यूक्रेनियन इक्विपमेंट्स की एक लिस्ट बनाई गई है। ये लिस्ट फोटोज एंड वीडियोस एविडेंसेस पर बेस्ड है। इस लिस्ट से हमें रशियन कैजुअलिटीज का अप्रोक्सीमेट नंबर मिल सकता है। दोस्तों, हम इस लिस्ट में सिर्फ डिस्ट्रॉयड इक्विपमेंट पर फोकस करेंगे क्योंकि डैमेज्ड, कैप्चर्ड या अबैंडन्ड इक्विपमेंट में मौजूद क्रू को एस्केप होने का चांस मिलता है। सिर्फ डिस्ट्रॉयड इक्विपमेंट में मौजूद क्रू बच नहीं पाता। दोस्तों, इस वॉर में अब तक रशिया के 1,551 मिलिट्री व्हीकल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अगर हम ईच मिलिट्री व्हीकल पर 3 फौजियों को डेड माने तो टोटल नंबर हो जाता है 4,653। और इस जंग में अब तक रशिया के 71 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अगर हम ईच एयरक्राफ्ट पर एक क्रू मेंबर को डेड माने तो इसका नंबर हो जाता है 71। और टोटल 71 प्लस 4,653 हो जाता है 4,724 डेड सोल्जर्स। इसी तरह रशियन नेवी की 2 शिप्स भी डिस्ट्रॉय हुई हैं, लेकिन किसी भी डिस्ट्रॉयड शिप्स पर मौजूद क्रू को भी बचाया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी जंग में नंबर ऑफ इंजर्ड, मिसिंग और सरेंडर्ड सोल्जर्स नंबर ऑफ डेड सोल्जर्स का अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स हो जाता है। इस जंग में नंबर ऑफ रशियन डेड सोल्जर्स का नंबर है 4,724। इसी तरह इसका 3 टाइम्स हो जाएगा 14,172। अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 18,896 रशियन कैजुअलिटीज। दोस्तों, ये 4,724 डेड सोल्जर्स नंबर ऑफ डेड रशियन सोल्जर्स इन डिस्ट्रॉयड इक्विपमेंट्स है। अगर हम इसी तरह लाइव एक्शन में भी नंबर ऑफ डेड एंड इंजर्ड रशियन सोल्जर्स का नंबर 4,724 मान लेते हैं तो टोटल नंबर 18,896 प्लस 4,724 इक्वल्स 23,620 रशियन कैजुअलिटीज हो जाएगा। तो दोस्तों, 23,620 यह है टोटल नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेट रशियन कैजुअलिटीज इन यूक्रेन वॉर। हम इस फिगर को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, रशिया ने भी अपने कैजुअलिटीज का ऑफिशियल नंबर दिया है। इन नंबर्स पे भी आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन इन नंबर्स को कैलकुलेशंस में यूज किया जा सकता है। रशियन नंबर्स के मुताबिक 1,351 रशियन सोल्जर्स किल्ड, 500 लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक सोल्जर्स किल्ड और 1,188 डोनियस पीपल्स रिपब्लिक सोल्जर्स किल्ड। दोस्तों, ये हो जाता है टोटल 3,039 डेड रशियन सोल्जर्स। दोस्तों, 1996 में फर्स्ट चेचन वॉर के दौरान रशिया ने बताया था कि उसके टोटल 5,732 सोल्जर्स मारे गए हैं, लेकिन कमिटीज ऑफ सोल्जर्स मदर्स ऑफ रशिया के मुताबिक डेड रशियन सोल्जर्स का नंबर था 14,000। ये नंबर रशियन ऑफिशियल नंबर से तकरीबन 2.5 टाइम्स ज़्यादा था। आज भी अगर हम ऑफिशियल रशियन नंबर्स को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें अप्रोक्सीमेट करेक्ट नंबर ऑफ डेड रशियन सोल्जर्स मिल सकता है। अगर हम 3039 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 7,598 डेड रशियन एंड एलिड सोल्जर्स। अगर हम यहाँ भी 1:3 रेशियो का लॉजिक लगाते हैं और 7,598 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलता है 22,794 रशियन एंड एलिड कैजुअलिटीज़।
जो कि पहले नंबर 23,620 से काफ़ी करीब है। दोस्तों, ये कैजुअल्टीज़ का नंबर बस एक अप्रोक्सीमेट नंबर है और एक्चुअल नंबर इससे कहीं ज़्यादा या फिर कहीं कम हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोग रशिया यूक्रेन वॉर को अफगानिस्तान अमेरिका वॉर या फिर इराक अमेरिका वॉर से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल ही बचपना है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को हम अफगानिस्तान और इराक वॉर से कंपेयर कर ही नहीं सकते। रशिया यूक्रेन वॉर अफगानिस्तान और इराक की जंगों से कहीं ज़्यादा हाई इंटेंसिटी और मॉडर्न वॉर है, और इसके साथ साथ यूक्रेन को पूरी दुनिया वेपन्स प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों, कुछ लोग ये कह करके इस जंग का मजाक उड़ाते हैं कि 20 सालों में जितनी अमेरिका की कैजुअल्टीज़ इराक और अफगानिस्तान में नहीं हुई, उतनी कैजुअल्टीज रशिया की 2 महीने में हो गई हैं। लेकिन मरे हुए फौजियों का जोक करना और मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, अफगानिस्तान और इराक वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टोटल कैजुअल्टीज 59,581 हैं। अमेरिका भी अपने सही नंबर्स नहीं बताता। इसको भी हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमेरिकन कैजुअल्टीज 1.5 लाख से भी ज़्यादा चली जाएंगी। इसके साथ साथ नेटो कैजुअल्टीज और अफगानिस्तान की वो आर्मी जो अमेरिका की मदद कर रही थी और इराक में जो लोग अमेरिका की मदद कर रहे थे, उनकी कैजुअल्टीज़ का तो पता ही नहीं है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशियन कैजुअल्टीज पर बनाई गई हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।